और ये सारा संध्या का है। 25,000 रुपया का कैश है, इसको आप देख लीजिए। फोन मत करो, फोन मत करो। 25,000 रुपया का ये कैश है, एक दिन का, एक बेड का, प्रयास का। ये सारा संध्या है और ये अकाउंट नंबर उन लोगों के हैं सबके। ट्रांसफर जो पैसा मंगाते हैं 4,00,000 रुपया, किसी स्टाफ के अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है 2,15,000 रुपया, 4,08,000 रुपया, 800 रुपया। ये लगभग मैं जानना चाहता हूं कि शीट का 50,000 कोविड बचाने के नाम पर सुई और दवाई का 50,000 और फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए 50,000, 1,50,000 रुपया एक दिनों में प्राइवेट नर्सिंग होम में, ये फिक्स है। सरकार टास्क फोर्स क्यों नहीं बना रही, बहुत क्लियर। दूसरी तरफ सरकार बिहार के सारे एम्बुलेंस को अपने अंडर में ले, एम्बुलेंस का जो भी पैसा फिक्स है वो सरकार दे। कल जो पीएमसीएच में गोली चली है सिर्फ एम्बुलेंस के वर्चस्व को लेकर, एम्बुलेंस मालिक लगभग क्रिमिनल है, लगभग माफिया है। जितने एम्बुलेंस मालिक है वो किसी ना किसी दल से झंडा लगाए हुए हैं, चाहे वो जदयू का झंडा हो, चाहे बीजेपी का झंडा हो, या चाहे राजद का झंडा हो, लगभग। दूसरी तरफ जितना भी हॉस्पिटल है वो लगभग अपने गाड़ी में सरकार के मुखिया का झंडा लगाया हुआ है। जदयू और बीजेपी का लगभग हॉस्पिटल के मालिक कोई ना कोई पदाधिकारी बने हुए हैं जो बाईपास में है, लगभग। अविलंब मैं हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा, सबसे पहले सेना के हवाले प्राइवेट नर्सिंग होम को किया जाए, अविलंब। प्राइवेट नर्सिंग होम के लूट को रोका जाए, प्राइवेट नर्सिंग होम ऑक्सीजन प्लांट में जाकर 250 रुपया का ऑक्सीजन, पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन में 6,000-7,000-8,000 रुपया दे करके अपना ऑक्सीजन भरवाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब 24 घंटे में कोविड पेशेंट को इलाज के लिए कितने देने पड़ेंगे वो खर्च हो, और सभी हॉस्पिटल जीएम रोड के सभी दवाई मालिक, ड्रग्स इंस्पेक्टर, एडीसी और स्वास्थ्य विभाग के एमडी से लेके सारे पदाधिकारियों के टेलीफोन को सर्विलांस पर किया जाए, जैसे झारखंड में सारे ड्रग्स दुकानदारों का टेलीफोन, उनके परिवार का भी। जितने प्राइवेट नर्सिंग होम है उसमें जो स्टाफ है और मालिक है उनका टोटल टेलीफोन सर्विलांस पे किया जाए। कोई भी व्यक्ति यदि दवाई के लिए बात करता है तो तुरंत उसके यहां रेड हो। जिस मजिस्ट्रेट को लगाया गया है और मंत्री को प्रभारी में, उसका भी टेलीफोन सर्विलांस पे रखा जाए।
स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और पूरे बिहार के ड्रग्स इंस्पेक्टर से लेकर सारे पदाधिकारी का टेलीफोन अविलंब सर्विलांस पर हो, इसके लिए जरूरत होगी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। पूरी लूट, पूरी इंटायर एम्बुलेंस के मालिक और ड्राइवर का मैनेजर का नंबर सर्विलांस पे लिया जाए। जो भी मैजिस्ट्रेट को दुकान पर बैठाया गया है उसके टेलीफोन को भी सर्विलांस पे लिया जाए।